ये सब गरीबों में बांट दीजिए। और मंदिर के पिछवाड़े वो जमीन है ना, वहां 11 कमरे यात्रियों के लिए बनवा दीजिए। जो आ गया राय साहब, वैसे तो दया धर्म में आप कभी पीछे नहीं आते, मगर आज आपके चेहरे का रंग कुछ और ही है। पंडित जी, हमारा पोता है ना। भगवान, मेरे राम को अच्छा संसारी बनाना। बहू, प्रार्थना खत्म हो गई है तो चलो घर चले। ऐसा न्याय है प्रभु, एक सन्यासी को ब्याह के बंधनों में जकड़ा जा रहा है, मेरी रक्षा करो प्रभु। मैं ब्याह नहीं करना चाहता। नमस्ते नमस्ते। ओ डॉक्टर साहब, राय साहब, थैंक यू। छोटे की शादी के लिए तो आप तरफ रहे। छोटे माने को कुछ हो गया? डॉक्टर साहब आइए। राय साहब, मुझे अफसोस है कि आपका राम अब इस दुनिया में नहीं रहा। सुना आप लोगों ने, डॉक्टर कहता है कि मेरा पोता मर गया। राय साहब, अरे डॉक्टर, ये मेरा राम है राम, इसकी हर चाल मैं जानता हूँ। इसने अपने गुरु से वो योग विद्या सीखी है जिससे सांस तो सांस ये अपने दिल की धड़कन भी रोक लेता है। अरे ओ राम, मैं तुम्हारे बाप का बाप, तुम्हारा दादा। चल उठ जा शराफत से, नहीं तो तुम्हारे बचपन की वो तस्वीरें भरी सभा में रख दूंगा जबकि तू गंगा जी में नंगा रहा है। दादाजी, राम, यदि सन्यासी बनना है तो नारी जाति से दूर रहो। जीवन में कभी ब्याह मत करना। निंदो विश्वास जाता ने परिता बबू है इसका मास्टर जो मस्तनो अस्त वयम श्याम पते रही राम ओम तनोवंदुर जनता सकदाता धामान वे भुवनान विश्वास यत्र देवाम। We'll be right back.
एक ही पोता था, उसके चले जाने से राय साहब को बहुत ही दुख पहुंचा। अगर राम ने एक साल के अंदर ही अंदर शादी न की तो हमारी बहू रेणुका देवी को चाहिए तो किसी भी अच्छे खानदान के बच्चे को गोद लेकर उसे जायदाद का मालिक बना दे। अगर ऐसा न हो तो मेरी सारी जायदाद दान में दे दी जाए। रो मत बेटी, ये सब अपने पिछले जन्म के पापों का फल है। अगर हम राम को संसारी बातों से दूर न रखते तो उसका मन कभी सन्यासी न होता। और सुनो, राम अगर लौटा है तो उसे समझाना, कहना कि अपने दादा की अंतिम इच्छा पूरी करे, नहीं तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी।
बना शंकर जिसने विश्व किया बनी मीरा जो खेदा गया बना माती जो काटा गया बना हीरा वो नर है तो है राम वो नारी है तो सीता है मिलता मुझे तो इसी जन्म में चलना है छोटी सी थी तो मां चल एक भाई था जरा सी बात पर नाराज होकर घर छोड़कर चला गया राम के पिता धर्म कर्म से दूर संसार की हर बुराई को गले लगा लिया और मुझे यहां रोने के लिए छोड़कर चले गए राम भी उसी रास्ते पर न जाए इसीलिए दादाजी संसार के हर मोह माया से दूर आपके चरणों में इसे लाकर छुड़ा गुरु जी इसके पिता ने बुराइयों को गले लगाया था तो मेरा घर बर्बाद हो गया और इसने छड़ियों पे इतना गले लगा लिया है कि सिर्फ घर ही नहीं उनका नाम मिटता हुआ नजर आ रहा है दादाजी की अंतिम इच्छा थी कि राम का विवाह हो जाए और पूर्वजों का नाम चलता रहे मगर हमारी ये मानता ही नहीं अगर सुख चाहे इसका यही है तो मेरा भी स्वर्ग उस घर में नहीं गुरु जी मैं भी यही रहूंगी ममता भगवान का दूसरा रूप आप भी हिम्मत हारने लगी राम बेटा घर जाओ गुरु जी मैं विवाह नहीं करो यही ना नहीं कर और अगर उसकी इच्छा हुई तो हमारी आज्ञा बिना ही विवाह हो जाएगा जाइए बहन जी राम को ले जाइए उस पर विश्वास रखिए जो होना है वो अटल है भाई क्या है मंगल सिंह ने बुलाया है उस कमरे अभी बुलाना था क्या अभी तो डांस का क्लाइमेक्स आ रहा था आओ मेरी जान आओ। अभी तुम चलो हम तुम्हें बैक में बुलाएंगे कहाँ जाना है सेठ हीरा लाल अपनी 50वीं साल गिरह पर अपने बदन के बराबर सोना दान करता है उष्कम्बक सेठ का वजन ज्यादा है या कम अबे सेठ लोगों का वजन भी कभी कम होता है मोटे होते हैं साले मोटे जितना ज्यादा वजन उतना ज्यादा सोना और जितना ज्यादा सोना उतना जबरदस्त पुलिस का पहरा भी और जितना जबरदस्त पुलिस का पहरा उतना ही ज्यादा मंगल सिंह को डाका डालने में मजा आता है डाका डालना और पुलिस की आंखों में धूल झोंकना कोई उससे भी पूर्वामिव बंधनान मुक्षीयमां गतात् सेठ जी तिलक दान का समय हो गया राधे श्याम अगर थोड़ा है ना थोड़ा है आप इतना कुछ दान पुण्य कर रहे हैं परंतु आपको रत्ती पर भी लाभ नहीं होने वाला ऐसी क्या बात हो गई महाराज जो बोला पंडित जरा महाराज ये सब उच्चारण गलत कर रहा है मंत्रों का और मंत्रों का उच्चारण गलत हुआ तो सब हानि होगी लाभ कुछ नहीं होगा आपको कौन से मंत्र का उच्चारण गलत किया है बंधु शिव जी का महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो यूं नहीं है यूं है ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनाम् मृत्युर्मोक्षे वामृता आप ठीक कहते हैं पंडित जी महाराज जी ये तो कोई महाज्ञानी
परम पूज्य प्रकांड पंडित लगते हैं। राधेश्वर राधेश्वर महाराज आप धन्य, आपने मुझे बचा लिया। महाराज मेरा लाखों रुपए का दान व्यर्थ जाने वाला था, महाराज अपने पवित्र हाथों से आप ही इस मंगल कार्य को संपन्न कीजिए। तुरंत संबंध करते हैं प्रभु पधारी जलाल जी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगल। कल्याण हुआ श्रीमान हीरालाल जी, जो आज आपने हृदय से हृदय दान किया, तुला दान किया, 100 जन्मों के पापों का कष्ट का निवारण हो गया, कल्याण हो गया, आपको मुक्ति मिल गई आज। परंतु श्रीमान हीरालाल जी आज का जो दिन है उस दिन सोने को घर से बाहर ले जाने का मुहूर्त ठीक नहीं है। हमें मालूम है महाराज, इसीलिए आम पुलिस के इतने सिपाही कल तक यहाँ ड्यूटी पर रहेंगे, सोना कल ही जाएगा महाराज। परंतु श्रीमान हीरालाल जी आज का दिवस अपूर्व हर्ष का दिवस है, उल्लास का दिवस है, नाचो गाओ खुशियां मनाओ। महाराज हर बरस की तरह आज रात को एक शानदार जश्न मनाया जाएगा। करे जब अलाश हो दिल के वलवले दब जाएंगे तब नेकी ही था। शामी में लुटा शामी में लुटा सजन के अचारा शामी
लोग लंदन से आ रहे हैं। शुभ नाम। माय नेम इज गोपीनाथ एंड ही इज माय सन राकेश। मे आई नो योर नेम प्लीज? देखिए, आप हिंदुस्तान आए हैं तो हिंदुस्तानी में बात कीजिए। वैसे हम दोनों ही ग्रेजुएट हैं, लेकिन अपनी भाषा से बहुत प्रेम करते हैं। यस यस, फिर अंग्रेजी बोली। कहाँ जा रहे हैं? जी गंगापुर, वहां मेरी बहन रहती है रेणुका, लेकिन मुझे शायद ना पहचान कर घर से ही निकाल दे। कमाल है, आपकी बहन और आप ही को नहीं पहचानती। दरअसल मैं बहुत छोटी उम्र में घर से भाग गया था, दर दर की ठोकरें खाता हुआ ना जाने कैसे लंदन पहुंच गया और फिर वहीं का हो रहा। खैर, वैसे आपका नाम? मेरा नाम गिरधारी है, ये मिस्टर बनवारी है मेरे मैनेजर। इतनी जल्दी क्या है, स्टेशन आने में भी देर। क्या बात है इंस्पेक्टर? कुछ नहीं, ये हमारी पुरानी जान पहचान वाली। कैसे इंस्पेक्टर साहब? भागने की क्या जरूरत है? क्यों? मुर्दे भी कभी भागा करते हैं। मुर्दे? मैं समझू नहीं। बनवारी और गिरधारी मर चुके हैं। क्या पक रहे हो? वो देख, अब जिंदा है गोपीनाथ और राकेश। अब आई बात समझ में, इतनी बड़ी दुनिया में गोपीनाथ की अब एक ही बहन है। सोने का हिरण बनकर वो राक्षस कुटिया के आसपास खेलने लगा। सीता माता ये ना जान पाई कि ये राक्षस है राक्षस जो उनके सुखी संसार में आग लगाने आया है। बेटे, पहचाने तो कौन आए? अरे भाई, जब मेरी बहन मुझे नहीं पहचान सकी तो मेरा भांजा कैसे पहचाने? मामा जी प्रणाम। कलेजे में ठंडक पकड़ी। सलाम, अपने भाई राकेश से मिलो। ब्रदर, आई यू गुड ब्रदर, बिग ब्रदर, बिग ब्रदर। क्या वो गले लगते? डैडी, राम जैसे भाई को मिलकर मेरे कलेजे में विंटर पड़ गई। कलेजे में जो ठंडक पहुंचे ना, उसे विंटर नहीं, विंटर तो संदीप ही तू है। डैन, ये डैडी, तुम्हारे भाई राम को अंग्रेजी भी आती है? ब्रदर, आई इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश, बहुत स्पीकिंग इंग्लिश। आप कुछ ठीक कह रहे हैं कि भगवान और शैतान कब और किस रूप में मिलने कोई नहीं जानता। क्या मतलब राम? यही मामा जी कि माँ हर रोज यही प्रार्थना किया करती कि इसको इसका खोया हुआ भाई मिल जाए, और भगवान ने ऐसी सुनी कि माँ को इसका भाई क्या,
मुझे भी भाई मिल गया। मरते बच गए। एक्सीडेंट। हम कई सालों के बाद देश आए, अपने परिवार वालों से मिले, लेकिन एक बहुत बड़ी भूल हो गई है, भगवान को प्रणाम करना भूल गए। चलो प्रणाम करो। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, अनाथ आश्रम, स्कूल, इन सबको दादाजी के होते हुए जितना चंदा मिला करता था उतना हमेशा मिलता रहेगा। हेलो भैया। धन्यवाद मुनीम जी। जी आरती को मनी ऑर्डर भेज दी। जी हाँ। ये आरती कौन है? राय साहब के स्वर्गीय दोस्त की बेटी है, वर्षों से इस घर की सहायता से पढ़ लिख रही है। ठीक है, आप उसे भी हर महीने मनी ऑर्डर भेजते रहिए। जी हाँ। राम, दादाजी की हर इच्छा पूरी करेगा। जी हाँ गुरुजी। फिर तो अपना विवाह भी। बहन जी, कोई उपाय कीजिए जिससे राम का मन संसारी बातों में लगे और ये विवाह करने के लिए राजी हो जाए। कालिदास को बनाने वाली भी एक स्त्री ही थी, जिसकी प्रेरणा से वो कालिदास से महाकवि कालिदास बन गए थे। मुनीम जी। जी आप कह रहे थे ना आरती की पढ़ाई खत्म हो चुकी है। जी हाँ। आपने उसे देखा है? जी नहीं। मैंने भी नहीं देखा। पता नहीं वो देखने में कैसी। मुनीम जी। जी आरती को खत लिखी, वो यहां चली है, शायद उसके आने से इस घर का वातावरण बदल जाए और मेरी इच्छा। बुआ जी, जिस लड़की को आज तक किसी ने नहीं देखा, क्या नाम है उसका? आरती है मेरा नाम। थैंक यू। एक घूंघट वाली, देख के चलो तुम। माफ करना बहन जी, हमने जान के तुम्हें धक्का नहीं दिया जी। तुम कुछ घबराई में चले गई। वो देखो ना बहन जी, ये दो गुंडे हमारे पीछे पड़ गए। मगर तुम इस तरह अकेले हो क्या? सिद्धी जयपुर से आ रही हूँ जी, मारा वीरा ने तार करियो, पर बहन जी मारे को लेने को नहीं आया। के खबर भाभी की तबीयत बहुत खराब तो नहीं होगी? हो सकता है तुम्हारे भाई को तारी न मिला हो। पर इतने घर किया जाऊं जी। बहन जी मैं तो नवी हूँ इस शहर में, कोई जान न पहचान है, हमारी जान बचाई एक घर के पहुंचा दो जी। राम तुम्हारे भलो करो जी, ये सारा पैसा रखो हमारा, पर घर पहुंचा दो। लेकिन ये बाबा पैसे क्यों दे रही हो मुझे? अच्छा तुम्हारे भाई का पता है तुम्हारे पास? हाँ हाँ हाँ, ये देखो बहन जी। ये तो काफी दूर है यहाँ से बाबा। अच्छा देखो तुम्हें काम करो, मैं तुम्हें टैक्सी में बिठा देती हूँ, तुम वहां से चली जाना। आप ना 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 ना, मैं तो अकेली टैक्सी में कौन ही बैठो, मारे डर लागे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो ना, मैं तुम्हारा गुण नहीं भूलूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे भी तो जल्दी है ना, मुझे भी शाम की गाड़ी से गंगापुर पहुँचना है। तुम कुछ भी करो बहन जी, मारे को अपनी बहन जान के हमारे घर पहुँचा दो। अगर ये बहन नहीं आती तो ये भाई तुम्हारा तुम्हें घर पहुँचा देगा। देखो ना फिर आ गए। देखिए मिस्टर, अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है ना तो शराफत से रास्ता ना पीए समझे, वरना मुझे पुलिस की मदद लेनी होगी। इडियट। चलो मैं तुम्हें घर पहुंचा देती हूँ। आइए। आओ चंपा। आओ चंपा। स्टेशन पर इंतजार करती करती थक गई थी, भला हो इनका जो मुझे यहां तक ले आई, वरना खो जाती शहर में। हाँ मैं आपका शुक्रगुजार हूँ तो आप यहाँ पर। चप्पड़ घंटू, शुक्रिया अदा करना तो मेरा कर जो इसे फांस कर यहाँ तक ले आए। फांस कर? कहो आरती। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारे बारे में ये सब कुछ जानते हैं। नहीं तो मैं तुम तक कैसे पहुँचती, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचती? Thank you.
मैंने उड़ने की कोशिश की, उसके पर काट दिए गए। तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना ये लोग तुम्हें ना जिंदा रहने देंगे ना मर देंगे। इस आरती को स्टेज पर के कमरे में बंद कर। बड़े मालिक का आखिरी काम सुन लो, तुम्हें नकली आरती बनकर रेणुका देवी के बंगले पर जाकर रहना होगा। करोड़पति रेणुका देवी के इकलौते बेटे राम को स्लो पॉइजन करना होगा। क्या? तुम्हें वो जहर दिया जाएगा जो थोड़ा थोड़ा करके तुम राम को खिलाओगी। जहर धीरे धीरे असर करेगा, उसके मरने में 2-3 महीने लग जाएंगे, ताकि किसी को शक न हो कि राम को जहर देकर मार दिया गया। नहीं, मैं काम नहीं करूंगी, मैं किसी का खून नहीं करूंगी। तुम किसी का खून नहीं कर सकती, और बड़ा मालिक बड़े बड़े खून कर चुका है। इधर तुमने इनकार किया, उधर तुम्हारी मां की लाश तुम्हारी आंखों के सामने होगी। बड़े मालिक से कह दो चंपा हमेशा की तरह खुशी से मान गई है। लो बहन आ गई तुम्हारी आज। आओ बेटी। पूछे पिताजी, हम तो गए काम से। बेटा मैं जानता हूं तुझे क्या तकलीफ है। अगर अरमान पूरे ना हुए अपनी तो जान ही निकल जाएगी। बिल्लू के पत्थे अगर तूने कोई गड़बड़ की तो दोनों की जान निकल जाएगी। चल यहां से। ससुर जी तो बॉम्बे में तुम्हें कई जब भी वो बॉम्बे आते थे मुझसे जरूर मिलते थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। अगर वो मेरी सहायता न करते तो मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। बेटी आज मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। राम की परवरिश हमने गलत ढंग से की, जिससे उसका मन सन्यासी हो गया। उसे दुनिया का कुछ मालूम नहीं। तुम्हारा साथ होगा तो शायद उसके विचार बदल जाए। प्रवेश करने की आपको आज्ञा किसने दी? आपका भक्ति रथ मुझे यहाँ खींच लिया है। मगर आपके यहाँ आने से मेरी पूजा में तो विघ्न पड़ गया। आरती से भक्ति में विघ्न नहीं पड़ता, बल्कि भगवान खुश होते हैं। है ना माँ जी? बिल्कुल ठीक है। माँ तुम अच्छी तरह से जानती हो जहाँ मैं पूजा करता हूँ वहाँ किसी कन्या को प्रवेश करने की आज्ञा नहीं। ये कोई गैर नहीं। तुम्हें याद है तुम्हारे दादाजी ने एक अनाथ लड़के को सहारा दिया, पढ़ाया लिखाया। ये वही आरती है, अभी यही रही। महापुरुष आदेश दे गए हैं कि अगर सन्यासी बनना है तो कन्या के साय से भी दूर रहो, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकती। मां जिसका संसार में कोई नहीं होता उसे संसार जीने भी नहीं देता। अच्छा तो मैं इसे कह देती हूँ इसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। लेकिन बेटे तुम्हारे दादाजी की आत्मा को दुख होगा। ठीक है, इससे कह दो यहाँ रह सकती है, मगर अपनी परछाई भी मुझसे दूर रखें। बिल्कुल दूर रखूंगी, राजधानी हो ना।
ये राजधानी राजधानी क्या लगा रखी है? वो कॉलेज में मैं बहुत तेज भागा करती थी। मेरी सहेली मुझे कहा करती थी कि मैं राजधानी ट्रेन से ज्यादा तेज भागती हूँ, इसलिए मुझे राजधानी कहते हैं। इस घर में रहना है ना तो मालगाड़ी की रफ्तार से चलना होगा। अगर रफ्तार कम करने से आश्चर्य देने वाला खुश रहता है तो मालगाड़ी क्या बैलगाड़ी की रफ्तार से चलेंगे। माँ जी आ गया हो तो? हाँ हाँ जाओ बेटी। तुम क्यों लाए? माँ जी ने कहा। मुझे नहीं पीना। आपको नींद नहीं आएगी? क्यों? दीदी काका कहते हैं जब तक साफ दूध नहीं पीते उन्हें नींद नहीं आती। भाई रुक जा। मैं यहाँ देख लू। माँ माँ दीदी काका जल्दी आओ। क्या है बेटी? जहर। इस ग्लास में, इस दूध में। बेटी ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुम अच्छी तरह से जानती हो जिस वस्तु को तुम्हारे सिवा दूसरे कोई भी स्त्री छू दे वो मेरे लिए जहर हो जाती है। लेकिन बेटा आदि तो पराई थी आपने भी तो नहीं। इसका लाया हुआ दूध मैं नहीं पीऊंगा। भैया अपने बनाने से बनते हैं। राकेश ठीक कह रहा है बेटे। हाँ अब ये मत कह देना कि अगर इसके लाया हुआ दूध मैं ना पीऊंगा तो दादाजी की आत्मा को दुख होगा। कैसे नहीं होगा? आप कौन होती है बीच में बोलने वाली? इन सबको यहां से ले जाओ। आप भी जाइए ना। बहुत अतिथि जी। अतिथि जी चिट्ठी नहीं आती थी उसका मतलब मेहमान होता है। ये दूध का ग्लास ले जाइए। और सुनिए आप इस कमरे में मत आया कीजिए। बाहर तक तो आ सकती हूँ? आ सकती हैं मगर ये छम 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 आंसू निकाल दीजिए। ध्यान भटकता है भटकता है। बजरंग बली कन्या कहां से आ गई? बेटी गिरजा के पादरी की तबीयत ठीक नहीं, मैं उन्हें जरा देखा। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं घर का पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। घर का ध्यान रखने के लिए बहुत है, तुम राम का ध्यान रखो। खास ध्यान रखूं? जब भी ऊपर जाते हैं तो एकदम से चिल्लाने लगते हैं नीचे जाओ मेरा ध्यान भटकता मेरा ध्यान भटकता। उसका ध्यान भटके इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। माँ जी मुझे तो नहीं लगता है दाल गलने वाली है। ओम प्रचोदया ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति
अरे सुन रूपवती मैं हूँ जाति साथ किसी और पे डोरे डालो मेरी माँ बचा लो टेबल पर नहीं आ जाते कोई भी खाना शुरू नहीं करता। आरती को तो आ जाने दो। मैं तो भगवान को भोग लगाने के बाद किसी का इंतजार नहीं करता। राम राम। राज दे कौन सा हिसाब याद आ गया मुनीम जी? जी खेतों से तार आया था। हाँ। दिल में बताना भूल गया। क्या लिखा है? कल खेतों पर पहुंचना बहुत जरूरी है। घर में घुटन हो रही मुझे।
दीनू काका मेरा सामान तैयार कर देना, सुबह तड़के तड़के यहां से निकल जाएंगे। दीनू हम सब सुबह तड़के चले जाएंगे। सब सब कौन? भैया राकेश आरती किसी ने हमारे खेत नहीं देखे। दीनू काका तुम इन सब का सामान तैयार कर देना, मुझे घर पर ही रहना है, बड़ी शांति रहेगी। हाँ राम बाबू राम राम। आप तो जानते हैं कि आपका खेतों पर जाना कितना जरूरी है। हाँ अब आप लोग घर जाके आराम करो, मैं किसानों से मिल के आता हूँ। देखा जी। हाँ माँ जी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरा नसीब ही खराब है। आओ कार है ऐसे फायदे का। एक ही परिवार के पास 400 एकड़ जमीन, ये अनर्थ है। आज के युग की मांग समानता है, अपनी जरूरत से बढ़ के किसी भी चीज पर सांप बन के बैठना मां बाप है। गांव वालों जो जमीन मेरे पुरखों ने आपके पुरखों से ली थी मैं उसे वापस करता हूँ। भूदान नेता आचार्य श्री विनोबा भावे को इतनी बड़ी जमीन देकर और एक छोटा सा चित्र लगाकर क्या करेंगे, शंख की तरह पराई फूंक में बजकर अपना नुकसान नहीं करवाते मालिक। मुनीम जी जमीन वापस जाने के बाद भी आपकी तनख्वाह आपको हर मास मिल जाया करेगी। तो फिर चिंता किस बात की, सुबह से शीघ्र ये पवित्र कार्य आप ही होना चाहिए। आप सब लोग बैठिएगा, जलपान करते जाइए। पेनी वाइज पाउंड पुलिस, मेरा मतलब है नया पैसा तो बचा ले मगर रुपया लुट जाए कोई खबर नहीं। वाह अरे 400 एकड़ जमीन दान में देने वाला 4 इंच का दिल दान में नहीं दे सकता। सामने ऐसी बात करते हो तो शर्म नहीं आती? तो क्या ऐसा करूं? मैं कई बार समझाया हूं। समझ गए और आज सबको भी समझाती हूँ। मुनीम जी नगरवासियों, हमारे छोटे मालिक मिटबोली कुमारी आरती देवी के साथ एक गीत सुनाएंगे। मैंने ऐसा कब कहा? आज क्या खुशी का दिन नहीं? हाँ दिन 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 तो बहुत खुशी का है। तो क्या नाचना गाना बुरा है? नाचना गाना भी बुरा तो नहीं है। तो ऐसा करो तुम नाचो गाओ झूम झूम कर ऐसा भजन कीर्तन करो कि आनंद आ जाए। साधु तेरा सजन बन कैसे झूठा
डर की परवाह न लोगों का डर है, ना घर की परवाह न लोगों का डर है, ऐसी क्या तेरी ही चढ़ती उम्र है। माजी भगवान के लिए रहने दीजिए, बस और दो मिनट फिर देखना, कल सुबह तक तुम ठीक हो जाओगे। आप जैसी देवी माँ ने मेरे पांव चुकर मुझे और भी पापी बना दिया। अगर मेरी जगह तुम्हारी अपनी माँ होती तो क्या उससे भी यही कहती? सच मानिए माजी, वो ममता भरी मूर्ति आपके सामने बिल्कुल फीकी है। देखो अब ज्यादा बातें मत करो, कंबल ओढ़ कर सो जाओ। माजी, हाँ, इस दुनिया में लोग दूसरों का बुरा क्यों सोचते हैं? इस तो लोग लोगों का अच्छा भी तो सोचते हैं। अपने आप को देखो, तुम्हें मेरी और मेरे राम की कितनी चिंता रहती है। माजी माजी जल्दी चलिए। क्या हुआ? राम बाबू को तेज बुखार चढ़ा है और वो बेसुध है। मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। आप अच्छे हो गए? मैं बुरा ही करता। मेरा मतलब है आपका बुखार उतर गया। क्यों नहीं उतरना चाहिए? क्यों नहीं उतरता? माँ जी ने, दोनों काका ने रात फिर जो प्रार्थना की है। और तुमने? मैं तो डर गई थी। डॉक्टर को यहाँ से खून निकालते हुए देख लिया होगा ना? उसी के बारे में तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर कहने से कुछ लाभ हो सकता है तो कहो। मैं जो दूध आपको पिलाती रही ना, उसमें जहर था। आप सब जानते हैं? हाँ मैं सब जानता हूँ। इस मामले में मैं किसी विद्वान से कम नहीं। याद नहीं मैंने उस दिन कहा था, जिस वस्तु को माँ के सिवा दूसरी कोई भी स्त्री छू दे वो मेरे लिए जहर है, इसलिए मैंने दूध पिया ही नहीं। जी? एक बात और ध्यान से सुन लो, तुम जब जब दूध लाओगी मैं उसे गिरा दिया करूंगा, घर का दूध जाया होगा, इसलिए तुम मुझे दूध पिलाने की जरूरत छोड़ दो। आप सच कह रहे हैं? हरिओम। अरे बाबा, ये आंसुओं से मेरा मन पिघल तो जरूर जाता है मगर दूध के मामले में नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान तुमने मेरी सुन ली है,
अगर राम को कुछ हो जाता तो मैं अपनी जान दे देती। दुनिया जितनी बुरी है उतना ही परिवार अच्छा है। इस परिवार पर कभी दुख का साया नहीं पड़ने देना। जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया है अगर वो पूरा न हुआ तो क्या? तुम्हारी माँ को मार दिया जाएगा। कान खोलकर सुन लो, मैं इस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगी। आइए बुआ जी, बैठिए बैठिए, मैं जरा आपके पांव दाब देता। जीते रहो बेटा, तुमने कहा यही बहुत कुछ है। नहीं बुआ जी, ये तो मेरा फर्ज है। बुआ का कितना ख्याल रखता है। भैया। हाँ बहन। मैंने सोचा है राम की शादी आरती से कर दो। क्या ख्याल है आपका? क्यों नहीं क्यों नहीं, बहुत अच्छी लड़की है। आपने हाँ कर दी, कल गुरुजी से भी आज्ञा ले लूंगी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। हम तुझे भस्म कर देंगे। नहीं प्रभु नहीं, भक्त ने गलती की, भगवान को क्षमा करना चाहिए। आप तो स्वयं दया का सागर हैं प्रभु। तथास्तु। पाताल गंगा से पवित्र हो जा बच्चा। सुंदर, अति सुंदर। क्या कहा? ईश्वर का ध्यान अति सुंदर होता है। बाबा मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते। हम करेंगे, हम सब कुछ ठीक कर देंगे दीदी, तुम चिंता ना करो। बम बम महादेव। देवी ये लो रुद्राक्ष माला, कल सुबह नहाने के बाद वस्त्र ग्रहण करने से पहले इसे धारण कर लेना और अमावस्या की रात को हमसे आकर मिलना। तुम्हारे भाग्य का चंद्रमा उस अंधेरी रात में ही चमके, कल्याण कल्याण होगा।
घर और पुलिस से छुपकर कहां कहां जाओगे बच्चा? घबराओ नहीं बालको, घबराओ नहीं। यह आश्रम पावन गंगा है, जिसके अंदर आकर पापी पवित्र हो जाता है। धन्य हो महाराज। मूर्खो, हमें देखो, जो हमें देखता है हम उन्हें देखते हैं। हम महादेव। बालको, ये चरणामृत ग्रहण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। ज्ञान प्राप्त हुआ, तुम्हारी आंतरिक दृष्टि खुली। उस्ताद, अहम ब्रह्मास्मि, अहम विष्णु, शिवो हम। तुम्हारा कल्याण इसी में है कि तुम दोनों अपने मस्तिष्क हमारे चरणों पर झुकाए रखो जल्दी से, क्योंकि राहु और केतु की दशा बहुत भारी है तुम पर। पुलिस वाला, फुल वस्त्र पहनकर हमारे आश्रम में क्या कर रहे हो? बोलो। दो फरार मुजरिम मेले में नजर आए थे, मगर गायब हो गए। उनको तलाश करते हुए आपके आश्रम में चले आए। अच्छा, मुजरिम तुम्हारे सामने? मुजरिम ये, मुजरिम तुम हो। मुजरिम सारी दुनिया है, सारा संसार है, परंतु इस आश्रम में, इस भगवान शंकर के मंदिर में कोई मुजरिम नहीं और कोई पापी नहीं। बाबा, अगर वो मुजरिम मिल जाए तो मेरी तरक्की होगी। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, राधे तो अपना कर्तव्य का पालन कर बालक, और जा पधार, जा। बम बम महादेव। का भय डर जो बचपन से उसके मन में डाल दिया गया है, वो आज भी है। इसका कोई उपाय भी नहीं है गुरुजी। बहुत कोशिश की, आरती को घर पे रखा, सपना देखा था आरती के साथ रहकर राम बदल जाएगा और मैं आरती से राम की शादी कर दूंगी। आरती बेटी, तुम राम की सीता बन सकती हो। जी मैं? हाँ तुम, लेकिन तुम्हें सीता बनने से पहले नैनिका बनना होगा। मेनका? क्षमा करना बेटी, तुम में मेनका का रूप है, और राम राम विश्वामित्र की तरह अपनी साधना में मगन है। अगर मेनका विश्वामित्र की तपस्या भंग करके उसे लुभा सकती थी, तो हमें विश्वास है तुम राम को रास्ते पर ला सकती हो। गुरुजी, अगर गुरु कहा है तो बेटी गुरु आज्ञा का पालन करो। तुमसे कहा था कि पांव से घुंघरू उतार दो, इनकी आवाज से मेरा ध्यान भटकता है। ये घुंघरू नहीं, फूल है। पांव में घुंघरू नहीं तो ये छमछम की आवाज कहां से आई? जब बचपन पर जवानी कब्जा कर लेती है तो सारा बदन घुंघरू हो जाता राम। है अपना नाम अपने मुंह से। तुम जाओ यहां से। जाऊं तो कहां जाऊं, मेरा तो मन ही नहीं लगता कहीं। पढ़ी लिखी हो, कोई अच्छी सी पुस्तक लेके बैठो तो मन अपने आप लग जाएगा। पुस्तक पढ़कर तो पता चला कि बचपन ने जवानी पर कब्जा कर लिया और सारा बदन घुंघरू हो गया। ऐसी कौन सी पुस्तक है? ये है। उठ के बोल। लिखा है कि जब शकुंतला पनघट पर पानी भरने गई थी तो उसकी चोली की गांठ खुल गई, तो उसकी सहेली ने गांठ लगा दी, मगर फिर वो गांठ खुल गई। कैसी अश्लील बात लिखी इस पुस्तक में? महाकवि कालिदास की रचना को अश्लील कहना बहुत पाप है। तुम जाओ यहां से। तो आगे कविराज यही लिखते हैं कि बार बार गांठ खुलने का मतलब यही था कि
पेड़ के पीछे छिपे राजा दुष्यंत जान ले कि शकुंतला के बचपन पर जवानी ने कब्जा कर लिया। मैं शकुंतला तो नहीं, मगर गांठ खुल गई। शकुंतला के गांठ को तो उसकी सहेली ने लगा दी, मगर मेरा तो कोई है ही नहीं। तुम ही लगा दो ना। जाओ आधे पीस पे घुंघरू बांध के। बांध दो ना। देखो या तो तुम ये कपड़े बदलो, या कोई सहेली ढूंढ लो, और नहीं तो किसी को दुष्यंत बना लो। मैंने तो बनाया है, मगर वो मानते हैं। तुम जाओ यहाँ से। नहीं तो मैं चला जाऊंगा। ऐसी विचित्र कन्या है, रूप सीता जैसा, भाव ताड़का जैसे। हरिओम। फिर आ गई। मेरा सर खा गई। मैं आपकी मेहमान हूँ। मेहमान का आदर करना इस देश की सभ्यता है कि नहीं? तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे साथ चलो। कहाँ? वहीं जहाँ दुष्यंत और शकुंतला गए थे। मगर कहाँ? मंदिर में। हाँ, नहीं, वो दोनों तो विवाह करने गए थे। विवाह का क्या है, गले में माला डाली, विवाह हो गया। मैं दुष्यंत नहीं। सन्यासी मेरे साथ मंदिर चलोगे तो दुष्यंत बन जाओगे। चल सन्यासी मंदिर। चल सन्यासी मंदिर में। अरे पाप है तेरे अंदर में। चल सन्यासी।
सपनों में भरमा कर मानव सच्चा सुख होता है। अरे राम नाम जपते रहने से कष्ट दूर होता है। चल सन्यासी मंदिर में तेरा चोला मेरी चुनरिया साथ साथ रंगवाएंगे, साथ साथ रंगवाएंगे। क्यों हम जाएं मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, छोड़ झमेले बैठ अकेले जीवन सफल बना। हुई तो तुम्हारा पति दूसरी शादी कर लेगा। हाँ बाबा, अगर ऐसा हो गया तो मैं कहीं के नहीं रहूंगी। मुझे इस विपत्ति से बचाएंगे बाबा, मुझे अवश्य बचाएंगे, अवश्य बचाएंगे। हम अपने तीसरे नेत्र से देख सकते हैं कि तुम में संतान उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना है और हम दृष्टि गोचर करेंगे, कार्य को संपन्न करेंगे। देवी वस्त्र उतारो, बच्चा मत करो। देवी तुम हमें अपना पति समझो। देवी वस्त्र उतारो। Thank you.
सुंदर अति सुंदर देवी, तुम्हारा रूप कितना बदल गया, बाबा ने तुम्हारी जिंदगी ही बदल दी। तुम लोग दुष्ट हो, राक्षस हो, धर्म की आड़ में दुनिया को लूटते हो, उनकी इज्जत से खेलते हो। मैं तुम सबके पोल खोल के रख दूंगी। देखा बाबा का चमत्कार, बाबा की सेवा में जो कुछ तुमने अर्पण किया वो सब इन तस्वीरों में मौजूद है। जैसे दिल की बात दिल में रहनी चाहिए, वैसे ही यहाँ की बात यहाँ रहे, वरना इन तस्वीरों को देखकर न रहेगा पति न रहेगा घर बार। सुना, काम धाम के लिए घर में कोई और नहीं? अगर आप कहते हैं तो किसी और को भेज देती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें अच्छा लगता है तो करो। सुनो जी। नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं कुछ है। क्या है? बहुत दिनों से कुछ पश्चाताप सा हो रहा है मुझे। तो उसका प्रायश्चित कर लीजिए। कैसे करूं? अगर पश्चाताप मन से है तो प्रायश्चित भी मन से कर लीजिए। हाँ। वैसे पश्चाताप किस बात का है? मैंने तुम्हें राम का नाम लेने से रोका था ना। तो क्या हुआ, मैं शाम शाम जप लेती हूँ। नहीं, तुम राम का नाम ले सकती हो। आपको बुरा तो नहीं लगेगा? प्रायश्चित मन से करना है तो क्यों बुरा लगने लगा? और कुछ? हाँ, वो मैंने तुम्हारे पांव से वो छमछम उतरवा दी थी ना, उसे पहन लो। वो पहनूंगी तो आपका ध्यान भटकेगा। मन को तो शांति मिलेगी ना जी? हाँ, वो कम से कम इस बात का पछतावा तो नहीं रहेगा ना कि मैंने तुम्हारे पांव से तुम्हारी पसंद की वो छमछम उतरवा दी थी। किसी प्राणी को यह अधिकार नहीं कि वो किसी दूसरे प्राणी को दुख दे। जीने का आधार प्रेम है, प्रेम। हाँ, साक्षात भगवान का रूप अभी चमत्कार थे। अहम ब्रह्मा, अहम विष्णु, अहम महादेवा। चिरंजीव रहो, चिरंजीव रहो। रेणुके, तुम्हारा पुत्र तो बड़ा तपस्वी है, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आज हम स्वयं राम की नगरी अयोध्या में पढ़ा रहे हो। ये तो सब आप ही का है प्रभु। सो तो है, आप लोग विराजिए। अबे उलावड़े, बाबा को चमत्कार दिखाने का मौका देना, एक्टिंग ठीक करना, समझे? जी अच्छा, जाओ। अच्छा, तुम जन्म से लंगड़े हो। बाबा जी, ये आपने कैसे पहचान लिया?
निकट आओ बालक, निकट आओ जी, निकट आओ जी। हटो भाई, दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। इस अति सुंदर घर में तुम पहले प्राणी हो जिसने हमसे कुछ मांगा है। बम बम महादेव, बम बम महादेव। ईश्वर बाबा ने मुझे अच्छा कर दिया, ईश्वर बाबा ने मुझे अच्छा कर दिया, ईश्वर बाबा ने अच्छा कर दिया, बाबा ने अच्छा कर दिया। बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा की जय, बाबा की जय। शिवम, बम बम महादेव। कन्या कौन है? ये सावित्री है और ये इसका पति विजय। बम बम महादेव। तुम लोगों को यहाँ से तुरंत ही चले जाना चाहिए। चलो। बाबा, ये रमेश है। राम के दादा इसे बहुत प्यार करते थे। प्रणाम करो। चिरंजीव, चिरंजीव, बम बम महादेव। काम वाले को अपना काम छोड़ के नहीं आना चाहिए। सत्य है बाबा, मैं जाता हूँ। पधारो। बम बम महादेव। इस प्राणी में कुछ खोट है। इससे पहले कि बाबा विराट रूप धारण करे, इसे यहां से चले जाना चाहिए। चलो, निकालो। हारती, अति सुंदर, सुंदरता में तो तुम स्वर्ग लोक की किसी अप्सरा से कम नहीं। परंतु कन्या, तुम्हें अपनी विचारधारा बदलनी है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जी, बम बम महादेव। जब भी इस कन्या का ब्याह होगा तो बम बम महादेव, बम बम महादेव। बाबा विश्राम करना चाहते हैं। देवी, देवी तुम्हारे घर में प्रवेश करके हमें प्रसन्नता तो बड़ी प्राप्त हुई, परंतु हमारा मन अशांत हो गया है, अशांत हो गया है। अब हमसे कोई दोष हुआ? तुमसे नहीं रेणुके। तो फिर वो जो कन्या है ना, सावित्री, सावित्री, उसे मृत्यु योग है और 5-7 दिन के अंदर अंदर उसका देहांत होने वाला है। और जो दुष्ट प्राणी था ना जिसे हमने भगा दिया था, पिछले जन्म में वो डाकू था और इस जन्म में उसके यहाँ डाका पड़ने वाला है, डाका। बाबा, आप कुछ उपाय कीजिए ना। कर्मण की गति न्यारी, कर्मण की गति न्यारी, कर्म की कुंडली को मिटाना पाप है देवी, पाप। बाबा, मेरे घर को आशीर्वाद दीजिए। बाकी तो सब कुछ मंगल ही मंगल है, परंतु देवी, अगर तुम्हारे पुत्र ने उस कन्या से विवाह किया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि विधाता ने उसके मस्तिष्क पर कुछ ऐसी रेखाएं लिख दी है, गढ़ दी है कि उसकी शादी के बाद उसके पति का देहांत हो जाएगा। माजी, क्या है? सुना, सावित्री मर गई। सावित्री? हाँ, कल किसी ने गोली मार दी। हे भगवान, आज दिन कोई ना कोई नई बात होने लगी। अब देखो ना, कल ही किसी ने सावित्री को गोली मार दी और कल ही 4 मकान छोड़कर डाका पड़ा है। क्या पापा ने जो कहा सब सच निकला।
अपने बेटे ने उस कन्या से विवाह किया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, शादी की नष्ट हो जाएगा। मैं ऐसे नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। आप कुछ परेशान सी हैं बेटी, तुम राम की जिंदगी से दूर चले। माँ जी, बेटी राम से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रही हैं? वो बात कहते हुए मेरा अपना कलेजा फटा जाए। कितनी मन्नतें मांगी थी मैंने कि राम राजी हो जाए शादी के लिए, अब वो राजी हो गया है, लेकिन लेकिन उसकी शादी नहीं हो सकती। मगर क्यों? ईश्वर बाबा ने जो जो कहा वो सब सच निकला। उन्होंने जिसके लिए मौत कहा वो मर गया, जिसके लिए चोरी कहा वो लुट गया। ईश्वर बाबा ने कहा था अगर राम की शादी हो जाएगी तो राम राम जिंदा नहीं बचेगा। अपना अपना विश्वास है माँ जी, मैं अपने विश्वास की तुलना नहीं करूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी ईश्वर बाबा सिर्फ बाबा है, ईश्वर नहीं। क्षमा कीजिए माँ जी, भूल हो गई जो आपके विश्वास को धक्का लगा। बेटी तू मेरा कहा मानेगी ना, यहां से कहीं दूर चली जा के राम ढूंढे तो भी तेरा निशान न मिले। मैं तुझे इतना रुपया दे दूंगी कि तेरी सारी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इतनी बड़ी आत्मा होकर इतनी छोटी सी बात कर दी माँ जी, आपने अपने प्यार की पूंजी दे दी, इससे बड़ी दौलत और क्या होगी। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। आरती, माँ तुमसे कुछ नहीं कहेगी। राम, माँ मैंने सब कुछ सुन लिया है, अगर ईश्वर बाबा सच्चे हैं तो क्या अपने गुरुजी झूठे हैं? मगर दोनों में बहुत फर्क है। माँ अपने गुरुजी वही कहते हैं जो भगवान कृष्ण ने कहा, गुरुजी का एक एक शब्द गीता है, और ईश्वर बाबा माँ उनमें चमत्कार है। चमत्कार या तो सड़कों पे मदारी किया करते हैं या स्वयं भगवान। मुझे अपने कर्मों का फल भुगतना है मां, इसमें ईश्वर बाबा कौन होते हैं? ईश्वर बाबा को सच मानकर मैं गीता को झूठा मान लूं? नहीं मां, नहीं मां, आरती यहीं रहेगी इसी घर में। पहले कभी नहीं कहा लेकिन आज कहता हूं, अगर ब्याह करूंगा तो सिर्फ आरती से करूंगा। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, अभी इस घर का होगा क्या? राम तो हर वक्त खोया खोया सा रहता है। बहन वो तो किस्मत अच्छी थी कि ईश्वर बाबा ने शादी के लिए मना कर दिया, वरना न जाने राम का क्या होता। मां दादाजी की वसीयत के अनुसार सिर्फ एक महीना रह गया है, अगर मेरा ब्याह महीने के अंदर अंदर ना हुआ तो ये सारी जायदाद दान में चली जाएगी। धन दौलत दान में जाए तो ये पुण्य होता है, अगर इस कुल का नाम मिट जाएगा दादाजी की आत्मा तड़पती रहेगी। माँ तो बेटे ब्याह के लिए राजी हो जाओ ना। हाँ उसका सोचना ही क्यों? तो फिर दादाजी की वसीयत के अनुसार तुम किसी को गोद ले सकती हो। नहीं 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 बेटी, माँ इसके सिवा कोई चारा नहीं। हाँ और फिर भगवान ने राकेश को भी तो भेज दिया है, तुम इसे बेटा बना लो, इसका ब्याह होगा, संतान होगी, इस कुल का नाम चलता रहेगा, पुरखों की आत्मा को शांति मिलेगी। बम बम सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकामा सिद्धार्थम पुनरागमनाय च। आज से राकेश जी का नाम भरत देव है। बहन आज अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर दिया है। राकेश बेटा, मेरा मतलब है भरत बेटा, अपनी माँ और अपने बड़े भाई के चरण छू।
बस बस भरत, मैं तो आज ही गुरु जी के पास आश्रम चला जाऊंगा, तुम वहां का ध्यान रखना। ये भी कोई कहने की बात है भैया? रेणुका देवी, इस वसीयत नामे पे दस्तखत दीजिए ताकि भारत कानून की नजर में राय साहब की जायदाद का मालिक बन जाए। श्री कृष्ण। गुरुजी, तीरथ से कब लौटे? आज ही, और आते ही मालूम हुआ कि मेरे राम की अयोध्या में अनर्थ होने जा रहा है। इस मंगल कार्य की शांति भंग करने वाला ये कौन है? आप शांति बाबा हैं? हम ईश्वर बाबा। बम बम महादेव। जय श्री कृष्ण। रेणुके, आज का शुभ कार्य पूर्ण करो वरना हमारे क्रोध की अग्नि भड़क उठेगी। उसे हम प्यार की गंगा से शांत कर देंगे। बहन, मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूं कि पुरखों की खून पसीने की कमाई कोई मंदिर का प्रसाद नहीं, जिसे हाथों हाथ यूं बांट दिया जाए। रेणुके, ये भी स्मरण रहे कि जिस घर में ईश्वर बाबा की आज्ञा का निरादर होता है वो मिट्टी में मिल जाता है। हमारी भविष्यवाणी पत्थर पर लकीर होती है। हम मुख से वाक्य निकाले तो किसी को भी भस्म कर दे। आप मुख से एक वाक्य तो क्या, शरापों की किताब निकालिए, मैं सामने खड़ा हूं, कीजिए भस्म। आज फैसला हो जाए चमत्कारी सन्यासी बलवान है या मेरे कर्म। बम बम महादेव। गुरुजी, गुरुजी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप बीच में मत बोलिए। ईश्वर बाबा को आप नहीं जानते। मगर ईश्वर को तो जानता हूँ। ईश्वर को तो जानते हो मगर हमें नहीं जानते। जानने की आवश्यकता भी नहीं। गुरुजी, गुरुजी, इस दुखियारे पर तरस खाइए, इस कार्य को पूरा होने दीजिए, इस घर को ईश्वर बाबा के श्राप से बचा लीजिए। गुरुजी, गुरुजी, आपको अपने गुरुदेव की सौगंध है। बहन, तुमने गुरुदेव की सौगंध देकर बड़ा अनर्थ किया। अच्छा, जो मन में आए वो करो। मैंने अपने धर्म कर्म का पालन किया, जो होना था वो हो गया, जो होना है वो अटल। मैं ये पूछने आई हूँ, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा क्यों किया? क्यों आरती को वहाँ भेजा? इसलिए कि तुम्हारे प्यार का नशा उतर जाए। जिस राम को खत्म करने के लिए तुम्हें वहाँ भेजा गया था उससे तुम प्यार करने लगी। तुमने बड़े मालिक के साथ धोखा किया है। धोखा, धोखा, धोखा। जब वो कमीना राकेश मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था उस वक्त मेरी मदद के लिए कौन आया? क्या ये धोखा नहीं? उस हरामजादे की ये हिम्मत। तो क्या तुम उसे जानते हो? मैं तो उसे जानता हूँ और वो भी मुझे अच्छी तरह जानता है। देखो चंपा, आज तुम्हें एक बात का फैसला करना होगा। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। अब भी समय है, सोच लो। एक तरफ मेरा प्यार है और दूसरी तरफ ये नरक। मगर ये राकेश कौन है? राकेश और गोपीनाथ कौन है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। रंजीत, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मैं अपना सब कुछ भूलकर तुम्हारी सेवा करूंगी, जिंदगी भर के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। लेकिन इतना बता दे, ये राकेश गोपीनाथ कौन है? बड़ा मालिक कौन है? मेरी माँ कहाँ है? राकेश और गोपीनाथ राम के कोई नहीं,
वो अपने बड़े मालिक के ही आदमी है और मालिक है। विकल्प करने की कोशिश की, तुम्हारा विजय हार होगा जो इसका हुआ है। तुम्हारा मालिक कौन है, तुम्हारी मां कहां है, ये मैं बताऊंगा। चलो, मैं कहता हूं चलो मेरे साथ। तुमने देख लिया ना मेरी पहुंच कहां तक है। अगर तुम्हारे लिए मेरे दिल के किसी कोने में मोहब्बत ना होती तो मैं तुम्हें रंजीत से भी ज्यादा बदतर मौत मारता। लेकिन याद रखो, अगर तुमने आइंदा मुझसे कोई चाल चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी मां को ऐसी मौत मारूंगा कि ना वो मर सकेगी और ना तुम जी सकोगी। इस कलंकित को यहां क्यों ले आया? अब ये यहीं रहेगी। नहीं, ये यहां नहीं रह सकती, कभी नहीं रह सकती। मैं इस घर की होने वाली मालकिन हूं रेणुका देवी। क्या जी, अब ये मेरी होने वाली बीवी है। नहीं, ये मेरी बहू नहीं बन सकती। ए बुढ़िया, अपनी औकात में रहकर बात कर। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे टुकड़ों पर पलना होगा, नहीं तो जिस तरह तुमने मुझे इस घर से निकाला था उसी तरह मैं तुझे निकाल फेंकूंगी। बेटा, बेटा सुना तुमने? बेटा कौन बेटा, किसका बेटा? भरत को ढूंढना है तो रामायण के कागजों में ढूंढो। मेरा नाम राकेश है, राकेश। और मेरा नाम चंपा है। मैं कहती हूँ निकल जाए इधर। मैंने कहा था ना अपनी औकात में रहो। डार्लिंग। यस लव। मैं जरा नहा धो लो। ओके बेबी। भैया देखा। अब मेरा क्या इख्तियार है, तुम जानो और तुम्हारा बेटा। भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैंने एक देवी पर हाथ उठाया, मगर गोपीनाथ और राकेश की असलियत जाना बहुत जरूरी है। मुझे शक्ति दो भगवान कि मैं इस घर को बचा लूं। भले ही ये भेड़िए मेरी जान ले ले, मेरी मां को मार डाले। भैया भैया रुक जाओ, भैया भगवान को मत ले जाओ, भैया मत ले जाओ। रेणुका देवी, हमारे काम में कदर मत। मत ले जाओ, मत ले जाओ। बेटा, कम से कम इस तस्वीर को तो यहाँ रहने, इन्हीं के कारण तुम इस घर के मालिक हो। इतनी खूबसूरत दीवार पर तो किसी खूबसूरत लड़की की तस्वीर होनी चाहिए। ब्रिलियंट आइडिया बेबी। इस जगह पर अब हमारी डार्लिंग चंपा की तस्वीर लगेगी, क्यों ना? नो डार्लिंग, मैं तो तुम्हारे दिल में हूँ। यहाँ हम दो प्रेमियों की तस्वीर लगवाएंगे। That's a good idea, baby. माँ जी, अगर इस बात का, इस नाटक का किसी को भी पता चला तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा, न राम को न गुरु जी को। आप दिल पर पत्थर रख लीजिए, वक्त आने पर उन्हें बता दिया जाएगा। खुश तो हो? बहुत खुश। तमाम जायदाद, हीरे जवाहरात, बैंकों में लाखों रुपए,
सिर्फ मेरे नाम। यारों का नाम भूल गया मेरे दोस्त? दोस्त? तुम तो एक डाकू, दोस्त नहीं। छोटा डाकू बड़े डाकू को दोस्त नहीं, बाप कह के पुकारता है। मेरे डाकू होने का सबूत? सबूत कानून ढूंढता है, कानून तोड़ने वाला नहीं। याद रखो, इस वक्त तुम एक शरीफ आदमी के घर में हो। जो शरीफ था वो घर छोड़कर चला गया। ना, ना 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 ना, एक भी गोली चल गई तो सबकी इतने दिनों की कोशिश बेकार हो जाएगी। हाँ, लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ दिमाग भी रखती है। यहाँ हमारे पास चंपा, हमें प्यार दो। हमारे लिए नहीं, अपनी माँ के लिए। जिस दिन तुम्हारी शादी होगी ना, तो हम तोहफे के तौर पर तुम्हें तुम्हारी माँ देंगे, जीती जागती और सही सलामत। आप लोग हमारे घर आए हैं, आराम से बैठे। थैंक यू। जिन साथियों ने मिलकर करोड़ों की जायदाद अपने हाथ में ली है, बेवकूफों की तरह हाथ में पिस्तौल लिए खड़े हैं। राकेश, हो जाए जश्न, और अकलमंद वो जो बांट कर खाए। तुमने कहा, हमने मान लिया, हो जाए। तुम इनके पीने का इंतजाम करो, मैं खाने का करती हूँ। एक ने कही दूसरे ने मानी, कहे गुरु नानक दोनों ज्ञानी। ये भले सीता हो लेकिन हम कोई लक्ष्मण नहीं जो दोनों के दर्शन करते रहे। मैं समझा नहीं मंगल सिंह। मतलब ये कि लूट का माल आधा आधा, ये लड़की हमारी है। Thank you.
हूँ। कमर मटका कर, रूप दिखा कर सौदा पटाने वाली तूने मंगल सिंह के रूप में ही देखे, अब देख सौदा कैसे पटता है। सुनकर क्या करेंगे गुरुजी? बेटी, अगर कुछ होना होगा तो अपने आप हो जाएगा। बता दो ना बेटी, तुम उन पापियों के जाल में कैसे आ गई? पिताजी की मौत के बाद मेरा और मेरी माँ का कोई सगा संबंध ही नहीं था। दुनिया में अकेले थे, बिल्कुल अकेले। एक रात माँ, माँ क्या हुआ बेटी? अरे घंटी कैसी है? इतने रात गए मालूम नहीं कौन आया। मैं नहीं, तुम ठहरो, मैं जा। तलाशी लेंगे, सारे खर्च मारेंगे। कहाँ है वो? कौन? कहाँ है? कौन? हाँ, दो डाकू पकड़ के यहाँ आए। यहाँ कोई डाकू नहीं आया। आ भी सकते हैं। इस घर में और कौन है? और कोई नहीं। मालिक, पुलिस आ गई। आप समझे हम दोनों कौन है? अरे, हम आगे से दरवाजा खोलो। सर दरवाजा खोलो। खोलने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो तुम्हारी माया जो कुछ भी है एक सेकंड में हम इसे खत्म कर देंगे। कमरा मूव, मूव, ले ले, चलो आज। डोंट मूव, माफ करना। दो डाकू पुलिस का मर्डर करके उनकी वर्दी पहने इस तरफ भाग के आए हैं, कहीं यहाँ तो नहीं आए? पुलिस का मर्डर? क्या बात है, आपने जवाब नहीं दिया। जी, यहाँ कोई नहीं आया। मगर आप इतनी घबराई हुई क्यों? आपने डाकू का नाम लिया तो मैं घबरा गई। वैसे भी इस वक्त मैं घर में अकेली हूँ। माफ करना, इतनी रात गए मैंने आपको तकलीफ दी। क्या करें, हमारी ड्यूटी ही ऐसी है। आप ठीक कहते हैं। पुलिस जा चुकी है, तुम जा सकते हो। अब तो हम यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकते। क्यों? अब तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हारी मौत। क्या? क्या? लेकिन हम तुम्हारे बारे में किसी से कुछ कहेंगे नहीं। मालिक, लड़की बड़ी होशियार है, देखा आपने पुलिस को कैसे चकमा दे गई। हमारे बहुत काम आ सकती है। खामोश। एक शरीफ लड़की तुम्हारे साथ। इस औरत को हम मौत की थाल पे रखेंगे और ये लड़की हमेशा के लिए हमारी उंगलियों पर नाचती रहे। अच्छा मालिक। डर की उस तलवार से मैं डरती रही और बुरे से बुरा काम करती रही। उसी डर से मैं आपके घर में आई आपको जहर देने के लिए। मगर धीरे धीरे माँ की ममता ने और आपकी अच्छाइयों ने उस डर को दूर कर दिया। अपनी माँ को बचाने के लिए आप करो। इस बात से मेरे दिल ने, मेरे दिमाग ने, मेरी आत्मा ने इनकार कर दिया। बेटी, राम की जान बचाकर तुमने अपने हर पाप का प्रायश्चित कर लिया है। लेकिन जो पाप मैंने किए उनका प्रायश्चित कैसे होगा? आपने कोई पाप नहीं किया। मुझसे पाप हुआ है, मैंने माँ का कहा न मानकर, गुरुजी की आज्ञा को डालकर अपने हाथों अपना सब कुछ खो दिया। अपने हाथों जो कुछ खोया है उसे अपने हाथों वापस लेना होगा। जीवन का हर संघर्ष महाभारत का युद्ध है। राम अर्जुन बनकर हर दुर्योधन से टकरा जाओ। कर्महीन नहीं, कर्म योगी बनो। ठीक कहा गुरुजी।
आज तो नकली मामा और नकली भाई से टकराव है। अगर असली भी होते तो पाप का नाश करना अच्छाई का धर्म है। मेरे पाप का प्रायश्चित इसी में है कि मैं हर दुर्योधन से टकरा जाऊं। जहां जहां पाप का पांव पड़े मैं उस जगह को कुरुक्षेत्र का मैदान बना दूं। हाँ गुरुजी, ऐसा ही होगा। आशीर्वाद दीजिए। जय श्री कृष्ण। जय। तुम? हाँ मैं। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? ये घर मेरा है। ये घर तुम्हारा था। ये घर आज भी मेरा है। लेकिन ये मत भूलो कि तुम कागजात पर दस्तखत कर चुके हो। मैं तुम दोनों का असली रूप जान चुका हूँ। तुम दोनों चोर। रानू, कालू, ये बार बार हमारे आराम में खलल न डाले, इसलिए इसे खत्म करके इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। महाराज, ये सूट वाला कौन? बालक, नाम रूपचंद, व्यापार कपड़े का। कष्ट, पत्नी घर से भाग गई। अरे भाई, पुलिस स्टेशन जाओ, वहां रिपोर्ट लिखो। यहाँ क्या करने आए? वो तो ठीक है, मगर मैं कारण जानना चाहता हूँ। कारण जानना चाहते हो? सत्यम शिवम सुंदरम के आश्रम में जाइए, वहाँ एक महर्षि आए हुए हैं। वो चेहरा देख के सात जन्म का इतिहास बतला देते। तो ईश्वर बाबा? ईश्वर बाबा वो तो बहुत बड़े अज्ञानी ध्यानी है। वो तो ईश्वर बाबा की भी जन्म कुंडली खोल कर रख दे। बम बम महादेव, बम बम महादेव। कष्ट है इसे? रूप
चंद है रेशम वाला कपड़े का व्यापारी, 20 बरस तक साथ में रहकर भाग गई इसकी नारी। और अगर वो साथ में रहती मर जाती बेचारी। अच्छा? पति देव के मन भाई थी बाला एक कुंवारी, पति भला पत्नी का दुश्मन संकट में थी जान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। मजबूरी के आंख में आंसू पल के फिर भी प्यासी, पल पल धोए अरमानों के गंगा जल से प्राण, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। क्या देवी? कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई? किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई? ये मरे हुए हैं या जीवित? बस मरने ही वाले हैं देवी। हाँ? इनका अंत निकट है। तथास्तु। इन दोनों दुष्टों ने मिलकर कैसी चाल चलाई, एक कंस मामा बन बैठा एक दुर्योधन भाई। कृष्ण कंस का तोड़ेगा फिर कलयुग में अभिमान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। दर्शनों को दुनिया तरसती है, स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं। पहुंचा हुआ है साधु, क्या क्या चमत्कार दिखलाए, बोली जनता बोली ईश्वर रूप बदल के आए। ये जनता की भूल है देवी। हुँ? ये महापापी है, घोर अपराधी है। अच्छा? वेद शास्त्रों की भाषा को ये ढोंगी क्या जाने, ये पूजा करवाए अपनी प्रभु को क्या पहचाने। ये साधु के भेष में डाकू रोज पखंड रचाए, ऋषियों को बदनाम करे संतों पे दाग लगाए। दिन में डाके डाले पापी रात में कत्ल कराए, सच बोले सन्यासी इसका कभी न हो कल्याण। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। कर्म किए जाने की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है गीता का ज्ञान। पति, आज तुम्हारा भरत तुम्हारी सेवा करेगा।
नादान बालक, देखा हमारी ओर आंख उठाने का फल? आज तो बहुत कुछ देख लिया। क्या कुछ देख लिया बालक? और हम भी तो सुने। यही कि मेरे नकली भाई और नकली मामा का ईश्वर बाबा भी नकली है। अच्छा नकली है तो असलियत क्या है ब्रह्मचारी? पाखंडी, तुमने अपनी चमत्कारी बातों को सच्चा साबित करने के लिए सावित्री का खून करवा दिया। खून तो तुम्हारा भी होने वाला, तुम कौन सा बचने वाले हो? मैं जान चुका हूँ कि भगवे चोले के अंदर जो चमड़ी है वो एक खून खार भेड़िए की चमड़ी है। नादान बालक, हम मौत को बेचने वाले सौदागर हैं, तरह तरह की मौत बेचते हैं, तुझे कौन सी मौत चाहिए? अगर लिखने वाले ने मेरी मौत पानी में डूब के मरने से लिखी है तो तुम मुझे गोली से नहीं मार सकते। परंतु लिखने और मिटाने वाले ईश्वर हम हैं, हम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, बाकी सब मिथ्या है। रावण भी यही कहता था। परंतु आवश्यक नहीं कि हर युद्ध में मृत्यु रावण की हो। आज तो राम मरेगा, राम राम रावण को मार के मरेगा। दादान बालक, होरस ने सिकंदर से कहा था कि हमारे साथ वो सुलूक किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। हम भी तुम्हारे साथ वही सुलूक करेंगे जो एक सन्यासी दूसरे सन्यासी के साथ करता है। तुम्हारी मौत भजन कीर्तन से होगी। सन्यासियों आरंभ करो। बाबा के हाथों से मुक्ति मिल गई है। जय श्री कृष्ण। बम बम महादेव का उत्तर जय श्री कृष्ण। क्या बम बम महादेव एक प्रश्न है? मैं शिव भक्त हूँ। मैं भक्तों का भक्त हूँ। आप मेरी भक्ति करेंगे? पूजा मेरे जीवन का लक्ष्य है। आपकी भक्ति करना मेरे लिए कठिन नहीं, परंतु मुझसे अपनी भक्ति कराना आपके लिए कठिन ही नहीं, असंभव भी है। तुम केवल शांति हो, शांति बाबा, और हम स्वयं ईश्वर हैं, ईश्वर बाबा। शक्ति नाम में नहीं होती। हाँ तो शक्ति भुजाओं में तो होती है। भुजाओं की शक्ति क्षत्रिय की पूंजी है, सन्यासी की पूंजी उसके ज्ञान में है, उसके त्याग में है। कौन है? सृष्टि रचने वाले का एक भक्त। हम भी तो सृष्टि रचने वाले के भक्त हैं। और मैं भक्तों का भक्त हूँ। हमारी भक्ति करोगे? दीक्षा दीजिए, गुरु मान लूंगा। गुरु दक्षिणा दो, वो दीक्षा दूं। सब कुछ आपके सामने है, कहिए क्या अर्पण करूं? श्रामे राम की
आरती दे सकोगे? लगता है दीक्षा देने वाला फेस बदल कर भिक्षा मांगने आया है। भिक्षा ना भी मिली तो क्या, हम कोई लक्ष्मण रेखा नहीं, सिर्फ शांति हो, शांति बाबा। तुम्हें पार करके आरती को ले जाना, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। कृष्णा चीज का असली नाम है मंगल सिंह, डाकू मंगल सिंह। गुरुजी, यही है वो डाकू जो उस रात हमारे घर आया था, यही है वो जिसने मेरी माँ को अपने कब्जे में रखा है, यही है वो भेड़िया जो धमकी देकर मुझसे जन करवाता रहा। नन्ही चिड़िया, आज के आगे चोट चलाती है, इससे होता अगर हमने तुझे उसी दिन खत्म कर दिया होता। और ये मत समझना कि तेरा ये सो कॉल्ड गुरु तुझे बचा सके। बचाने वाला तो भगवान है और मारने वाला मैं हूँ। माना मैं जटायु जैसा महान नहीं, लेकिन मेरे जीते जी भी तुम आरती को यहां से नहीं ले जा सकते। मोहम्मद रसूलल्लाह। सूरत से तेरा नेक बंदा लगता है तो इसकी जान बचा ले। गुरुजी, होश में आओ बेटे। गुरुजी, आंखें खोलो बेटे, आंखें खोलो। हाँ, मैं हकीम रहीम खान हूं, तुम कौन हो? मैं राम हूं। तुम्हें क्या हो गया बेटे? अगर सांस रोककर की धड़कन ना बंद कर लेता तो मर गया होता उन लोगों के हाथ। तुम्हें योग साधना ने बचा लिया। बेटे, तुम मेरे दवाखाने चलो, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी करूंगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। खुदा ने चाहा तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पहले मुझे कहीं और जाना है, कहां? अपने गुरु के पास।
गुरु। चंडाल चौकड़ी को सूचित कर दो कि अपना अपना बोरी अब इसको गोल करें, अब हम स्थान से प्रस्थान करेंगे। मगर कहाँ? चोर डाकू और खूनियों के पुलिस से बचे रहने के दो ही तो स्थान है, एक है माले की गोद, अब महानगर। हम बंबई जाकर उधम बचाएंगे। आपके हाथों में तो जादू है हकीम जी। जादू इन हाथों में बेटे, जादू तो गंगा मैया में है। खुदा जिन्हें तौफीक देता है वही उसके गुण को समझ पाते हैं। जिन जड़ी बूटियों से तुम ठीक हुए, तुम्हारे जख्म अच्छे हुए, वो सब गंगा मैया की देन है। हकीम जी, शरीर के जख्म तो भर गए लेकिन अभी बहुत से जख्म भरने हैं मुझे। बाप
डाकू स्मगलर बटे हम सब लोग तुम्हारा चमचा और मैं तुम्हारा लीडर अंडरस्टैंड मिस्टर नाथ यस नॉट नाथ गिरधारी आई नो यू आर गिरधारी एंड ही इज असली राकेश और नाथ ने अमेरिका में मेरे साथ $1 million का फ्रॉड किया वो लोग इंडिया भाग आए मैं उनको चेस करते करते यहाँ आया तो तुम लोगों ने ट्रेन एक्सीडेंट में कुछ ड्रामा किया तुम लोग चेस करते करते मैं ये फ्रॉडी ईश्वर बाबा तक पहुंचा बाबा तुमने जितना मर्डर किया हमको मालूम तुमने जितना डाका डाला हमको मालूम तुमने राम का मर्डर किया हमको मालूम तुमने उसके गुरु का मर्डर किया हमको मालूम तुम्हारा फिल्म का ब्लू प्रिंट हमारे पास हमने कोई ब्लू फिल्म नहीं देखा कौन सा प्रिंट का ये वो प्रिंट है जिसे तुमने देखा नहीं बल्कि तुमने काम किया है कुंडली हमारी उंगली के इशारे पे भारत नाट्यम करो डांस करो और अगर नहीं करेगा ना तो हम लोग तुमको गोली बचाने के लिए पुलिस के हवाले कर देगा हम डांस करेगा हमको पुलिस नहीं मानता हमको बाकी सब सब मंजूर है बोलो कैसे बोलो बेटर फैटी अगर तुम हमारा दोस्त करेगा ना तुम टॉप मोस्ट अमीर आदमी बना देगा इंडिया से माल लूट के फौरन लेगा दूसरा मुल्क में उधर ना पुलिस का डर और ना कानून का खटका अंडरस्टैंड बड़ा स्मगलर है ना इनको हम माल सप्लाई किया करता था उधर मिसा का आदमी पहुंच मिसा का आदमी के पहुंचने से पहले अगर हम लोग उधर पहुंच जाए और मेरा मतलब भाई है चोरों का माल चोर ले उड़े तो ताका कहा डालना है बोलो हर नए ठिकाने का पता नहीं लगता है करेगी बोलो मन फाइव ईयर कॉन्ट्रैक्ट बॉस फाइव ईयर कॉन्ट्रैक्ट
बाहर आ गए, किसने कमाया और कौन खा गए, दोनों के नसीब आज ठकरा गए, और चोरों का माल सब चोर खा गए। खा गए आंखों के इशारे हम समझा गए, नहले पे जहला बन के हम आ गए, चोरों का माल चोर खा गए। जिस काम में हाथ डालता है विजय ही विजय, सक्सेसफुल। मंगल सिंह हमारा इधर का हाउस एकदम फुल है, और अब एक नया स्कीम, भारत का चोर सब भाग जाओ, रन अवे टू ए सेफर प्लेस, अंडरस्टैंड? हां रंडी बन मेरी कदर न कट दी, मन नच के यार मनावण दे। ए मंगली, व्हाट इज दिस मंडी प्रोस्टिट्यूट? गुरु, हम तुमको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, बोलो क्या अर्पण करें? तुम इसे क्या दोगे, इसके पास तो सब कुछ है। हाँ, ये अमेरिका इंडियन जेवर तो लेके जा रहा है, लेकिन इसे पहनने के लिए एक इंडियन लड़की भी तो चाहिए। You are again right, my dear Mangli. हमारा हार्ट जो है ना एकदम इंडियन, हम चाहते हैं हमारी औलाद जो है ना इंडियन पेट से पैदा हो। मेरे पेट से थोड़ी पैदा हो। Never. हमारे पास एक से एक ट्यूनिंग है मौजूद हमारे पाताल में। पाताल? बंबई से मीलों दूर, जहाँ मंगल सिंह नहीं, जहाँ ईश्वर बाबा है ना, हमारे आशीर्वाद। मेरा मतलब है कि आगे पीछे नीचे ऊपर वहाँ एक से एक ट्यूनिंग है, एक से एक ट्यूनिंग। ये ट्यूनिंग क्या है? छोकरी मंगल सिंह दो कमरे है, एक कमरे में ट्यूनिंग यहाँ रहती है, दूसरे कमरे में हमारी दूसरी ट्यूनिंग यहाँ रहती है। इस छोटी ट्यूनिंग का नाम हम बुलबुल कहते हैं। कम ऑन मशीन, फिर फिर दैट्स राइट। हां 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 हां, ये हमारी बुलबुल आपको पसंद है? अगर मैं हाँ कह दूं तो हम उस गुलफाम को तुम्हारे कदमों में फेंक देंगे, जैसे किसी गुल को शाख से निकालकर भगवान के चरणों में अर्पण करते। भगवान का नाम लेते तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो भगवान की माँ, हम तो राम के बाप नहीं है। बास्टर्ड! मंगल सिंह, ऐसे कोई वाकई याद आ गया था? हम लोग कितनी बड़ी आसामी बुलाए, तुम्हारी करने की लाइफ को बना देगा ये, और तुम भी नौकरानी बनके जाना चाहो तो जा सकती हो, मौत के दरवाजे तक आराम से जा सकोगी। पापी, तूने रावण बनकर मेरे राम की अयोध्या में आग लगा दी है। अगर राम का नाम सच है तो तेरी लंका जलकर राख हो जाएगी। यही लिखा है, क्या लिखा जी? दुनिया का इतिहास साक्षी है, मंगल सिंह के राम ने रावण की लंका को जला दिया था। जी, अमेरिकन ब्रांड होकर भी तुम इंडियन स्टाइल बोगस बात करते हो। मंगल सिंह, अंदर हमें आग लगी हुई, अभी तक हमारी तबीयत खुश नहीं हुई। तुम्हें ये मान पसंद नहीं? अरे हट! हम बम बहा देंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ कि नहीं? मैं भूल ही गया था, तुम तो हमसे भी बड़े गुरु निकले। अच्छा गुरुदेव, अगर आपको ये बुलबुल पसंद नहीं है तो हम आपको एक कोयल दिखाते हैं, जो गाती भी है, नाचती भी है, बहुत सुंदर है।
अरे वहां रुक गया आओ ना भाई, इधर इधर आइए। छड़ी गिर गई थी, बहुत सस्ते में बच गए, सिर्फ छड़ी गिरी, यहाँ तो जो आता है वो गिर जाता है। भाई यार कितनी ये रही तुम्हारी चूने को, घूमे मगर तुम जैसा वर्षा लाली मैंने नहीं देखा। दूसरा पैदा नहीं हुआ तो देखते कैसे? अब मुझे देखो। बेटी बम बम महादेव, जय श्री कृष्ण। बम बम महादेव। मंगली और नाटक खत्म हो चुका है। नाटक तो अब शुरू हुआ है। अपनी जगह से उड़ा दिए जाओ, तुम चारों तरफ से गिर चुके हो। अरे ओ लंगूर की औलाद, रिवॉल्वर फेंक दो वरना ये बेगुनाह लड़की मारी जाएगी। लगा तो फेंक दो रिवॉल्वर। मैं तुझे हमेशा चूहा समझता था, चूहा। आज तुमने हमारे हुक्म की तामील की, मां बदौलत तुमसे खुश हुए। मांगो, क्या मांगते हो? इस चांद के टुकड़े के साथ साथ थोड़ी सी चांदी। राकेश, इस लड़की को हम तुम्हें एक शर्त दे सकते हैं। कौन सी? इस लड़की ने हमारे पंजे में रहकर भी आज तक अपनी इज्जत को महफूज रखा है। अगर तुम हम सबके सामने इसकी इज्जत के मालिक बन सकते हो तो ये दाना भी मैं तुम्हें दान में दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम नाकामयाब रहे तो फिर मैं तुमसे गोली की भाषा में बात करूंगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर। तो इस शुभ काम के लिए हम तुम्हें 5 मिनट का वक्त देते हैं। शुरू हो जाओ। छोड़ दो मेरी बेटी को। और अगले 3 मिनट तुम पिटते ही रहे तो तुम्हें मेरी गोली भी खानी पड़ेगी। तुम राजी के? तुम यहां हमारी आज्ञा का उल्लंघन? मंगल सिंह, आज तुझे शनिचर सिंह न बना दूं तो कहना। वेरी गुड, गुड शॉट। काउबॉय ने तुम्हें पिस्तौलबाजी भी सिखा दी। खबरदार को अपनी जगह से हिला दूं। आरती, राम की रस्सियां खोल दो।
कहा था ना, तुम्हारा नाटक खत्म हो चुका है। बालक, अगर गोली चलाई तो इस कन्या का गला घोट दिया जाएगा और ये स्वर्ग को सुधारेगी। कौबॉय, जरा सोचो। हाँ, पिस्तौल की नली नीचे, जरा नीचे नीचे। कौबॉय की औरत, रुक जा भाई, मैं तो तेरी बुलबुल का गला घोट दूंगा। अंदा। तो मैंने संभालो, मां से देखता हूँ। चल हराम दादा, छोड़ ने, छोड़। ओ हराम दादा नंबर तो चल लाइन में। गिरदारी, बनवारी। हाँ, बनवारी, गिरदारी, चलो चलो। अरे चलो आगे। से मिलो, ये हैं सीआईडी इंस्पेक्टर शेखर और ये लड़कियां इनकी साथी। हमने जो कुछ किया इनकी मदद से किया। झूठी चोरियां करवाकर आपने मंगल सिंह और उसके साथियों के खिलाफ सबूत देने में जो हमारी मदद की उसका भी जवाब नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मुझसे सिर्फ ये गलती हो गई कि मैं इन लोगों को जेल से भगाने के बाद आपको फोन पे इतला ना कर सका। लेकिन हमने पूरी नजर रखी। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि मंगल सिंह ने अपने ठिकाने पर पहुंचने के लिए जंगल का रास्ता इख्तियार किया और जब हम वहां पहुंचे तो आप और वो निकल चुके थे और ये लड़की इन दोनों को बड़ी बहादुरी के साथ रोके हुए थी। अंत भला सो भला। हाँ, क्या था ना, अपने गुरुजी कहा करते थे, जो होना था सो हो गया, जो होना है सो अटल है। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञानी।